पास में राइट नहीं है चैनल दिखाने के लिए, ठीक है, और ये सिर्फ प्राइवेट चैनल है जो अमेजन वाले को है। अगर किसी ने उसके साथ में कोई बीच में दखलंदाजी की तो अच्छे खासा भुगतान करना पड़ेगा। बात स्वागत है ना, क्योंकि सभी को पता है, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि डीडी फ्री डिश पे जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल चल रहा है उस पे ब्रॉडकास्ट करने का परमिशन है, क्योंकि डीडी फ्री डिश जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल डीडी फ्री डिश पे जो डीडी स्पोर्ट आ रहा होगा उस पे मैच आ रहा है, लेकिन प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी जो है वहाँ पे डीडी स्पोर्ट 2.0 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वर्जन 1 वर्जन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो डीडी फ्री डिश पे 2.1.0 है, वहाँ पे डीडी फ्री डिश के लोगों के साथ आप मैच देख पाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 2.0 हो गया है, समझे। और सपोज कर लीजिए कि हमने प्राइवेट में से अगर मैं वीडियो लेकर के अगर किसी में अगर मैं डाल दिया तो क्या कंप्लेंट हो जाएंगे? बिल्कुल 100% होंगे राइट्स। आपको याद है जब स्टार के चैनल पे मैच दिखाते थे हम लोग, तो डीडी स्पोर्ट पे आपको मैच देखने को नहीं मिलता था। और इवन बहुत सारे नेटवर्क तो डीडी स्पोर्ट को बंद कर देते थे, क्यों? क्योंकि राइट्स स्टार के पास होता था, अगर ऐसा हो तो स्टार लीगली कंप्लेन नोटिस भेज देता था, समझे। उसी तरीके से अमेज़न भी भेजेगा, और जो बड़ी कंपनियाँ चलाई हैं ना, वो आने वाले दिनों में जब पता चलेगा, आप लोगों को पता चले चले अगर मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे तो मैं ही अपडेट दूंगा कि कितने करोड़ का पेनल्टी आया है, वो आप लोग सुनना। ये चीज को समझा फ्री डिश पे तो अभी आ रहे हैं ना, फ्री डिश वाले देखेंगे उस पे, उसी पर सारे पब्लिक को मैं वो करूंगा कि आप लोग जाकर के देख लीजिए जाकर के। प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी को उससे नुकसान है ना? हाँ, प्राइवेट नुकसान है ना, बिल्कुल। आप केबल ऑपरेटर हैं, अगर नुकसान है ना, बिल्कुल आपके कनेक्शन घट ही रहे होंगे, घट रहे हैं, सारे कस्टमर मांग रहे हैं पर हम दे नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर जाना ही है उनको फ्री डिश में तो हमारा केबल क्यों लगाएंगे, वो पॉइंट है ना, बिल्कुल। अब ये चीज़ अब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और जो राइट्स वितरण है या बीसीसीआई है उसे भी इस चीज़ें सोचनी चाहिए, बाकी की आईपीएल और स्टार जो वर्ल्ड कप के मैचेस है स्टार को राइट्स भेज देते हैं, तो न्यूजीलैंड का भी मैच को राइट्स मिलना चाहिए था, या तो डीडी फ्री डिश पे के साथ साथ प्राइवेट डीटीएच पे भी डीडी स्पोर्ट्स पे दिखाने का राइट्स मिलना चाहिए था, या तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अमेज़न वालों ने ज्यादा पैसे दिए होंगे ना, अमेज़न वालों ने राइट्स लिया है, दैट्स व्हाई उनको ठीक है। अगर तो हमें हमारे जो कंपनियां हैं जैसे डेन सिटी टाइगर जो भी हमारी कंपनियां हैं उनको भी चाहिए कि उनके साथ में कंपेयर करके चैनल ले लें, जो भी उनको बैठता है जो जितना बैठता है उनको शेयर करके हमारे कस्टमर को दिखाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जो चैनल का राइट्स जो लेना होता है, जो चैनल पे क्या कंटेंट आएगा उसको दिखाने का अधिकार और उस सिर्फ और सिर्फ चैनल ओनर के पास होता है, जो चैनल है ना जैसे स्टार हो गया या सोनी के स्पोर्ट्स है, वो लोग राइट्स लेते हैं, ठीक है। केबल टीवी एमएसओ या ऑपरेटर है उनको सिर्फ ये अधिकार है कि अगर पीछे से कंपनी अगर देती है तो उस चीज़ को आप दिखा सकते हैं, अपने ग्राहक को सर्विस दे सकते हैं। अगर पीछे से कंपनी ही अगर जो चैनल वाले हैं लाइक स्टार या सोनी के पास स्पोर्ट चैनल है, अगर वो लोग ही नहीं चलाएंगे चैनल तो आप नहीं दिखा पाओगे ना। जैसे अगर कोई भी बिजनेस है, अब बिजनेस में अगर वो पीछे से अगर वो कंटेंट ही नहीं लाएंगे तो लोग नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ है कि उन लोगों ने कंटेंट पे पैसा खर्च नहीं करा, उन लोगों ने राइट्स नहीं लिया, राइट्स लेते तो आज केबल टीवी डीटीएच पे देखने को आपको मिलता, ठीक है। तो आज जो केबल टीवी ऑपरेटर परेशान है या केबल टीवी एमएसओ परेशान है, एमएसओ की वजह से नहीं परेशान है, वो बैकेंड्स के इशू की वजह से परेशान है, क्योंकि राइट्स या तो अमेज़न प्राइम के थ्रू ऑफिशियली देखिए या तो फ्री डिश के छतरी लगा के देखिए। भी ये क्या संभव है क्या कि आगे जो भी हमारे मैच या कोई जो हमारे इंटरनेशनल मैच होंगे आने वाला टाइम में, तो क्या मतलब को क्या हो सकता है कि वही लोग राइट्स ले लें और चलाने के लिए? देखिए अभी अभी न्यूजीलैंड वाले सीरीज का राइट्स तो अमेज़न प्राइम का है, आगे का तो आगे पता चलेगा, बाकी की जो मैचेज है वो स्टार के पास राइट्स है, कुछ मैच का राइट्स सोनी के पास भी है, जैसे आईपीएल वगैरह या वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो मैच है वो स्टार के चैनल पे 100% दिखाया जाएगा आपको। लेकिन आज तो इनको एक फिक्स मतलब फिक्स जो भी है केबल ऑपरेटरों के साथ मतलब जो कंपनियां हैं उनको फिक्स प्राइस कर दिया जाए ताकि केबल ऑपरेटर उसको मतलब जो भी केबल ऑपरेटर ले सके उसको और उसको पैसा पे कर सके, कर ऐसा सके भी तो हो सकता है, हो सकता है किसी कंपनी को डाल दो उसको कंपनी के मतलब नहीं राइट्स लेने में करोड़ों रुपए लगते हैं, राइट्स लेने में करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर कोई चैनल वाला राइट्स लेगा ना तो उसको अलग काटे या पैकेज से मतलब नहीं है,
अगर वो राइट्स लेगा जब तक कस्टमर तक परोसेगा नहीं उसके पैसे वसूल ही नहीं होंगे, समझ रहे। तो डेट्स वही अलाकाटे का तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, स्पोर्ट्स 18 चैनल पे है, मैक्सिमम कंपनी में अलाकाटे में चल रहा है, तो वो एटलीस्ट उन लोगों ने अपने चैनल पे चला तो दिया है। जिसको देखना है वो पैसे से लो, रिचार्ज करो, देखो। लेकिन जब चैनल राइट्स ही नहीं लेगी तो हम नहीं दिखा पाएंगे एज ए एमएस को, समझ रहे। समस्या ये है, इसी वजह से आपको केबल टीवी पे देखने को मैच नहीं मिल रहा। आप समझ गए? मैं समझ गया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।